कुलेरी ने टॉस जीता और पहले कोर्ट का डिसीजन लिया। पहली रेड बोसवाल की तरफ से देखने को मिलेगी। लाइनमैन, एक एक लाइनमैन आ जाए भाई। लाइनमैन रेडी, एक रेफरी की विसल के साथ मैच स्टार्ट। पहली रेड बोसवाल की तरफ से तीन नंबर के खिलाड़ी ठाकुर, ईशु ठाकुर हल्की सी डोज के साथ अपनी रेड शुरू करते हुए। कुलेरी अच्छा सेट देखने को लग रहा है, दोनों ही टीमें संयम के साथ, कोई भी जल्दबाजी के मूड में नहीं है। कुलेरी की तरफ से नाइन नंबर की किट में ये खिलाड़ी, देखते हैं कितना खरा उतर पाते हैं अपनी टीम की उम्मीदों पे। डी को टच करते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से शानदार टैकल देखने को मिला। इसी के साथ बोसवाल का खाता खुलता हुआ। बोसवाल की तरफ से रेडर, रेडर आउट। रेफरी के विसल से पहले रेडर रेड के लिए चले गए थे। थोपाणा जूनियर वर्सेस भुइया वर्सेस थोपाणा जूनियर। बोसवाल की तरफ से ईशु ठाकुर एक बार फिर से रेड करते हुए। ऊपर ऊपर हल्की हल्की डोज लगाते हुए और एक और एम्प्टी रेड। नौ नंबर की किट में काफी अच्छी रीच है खिलाड़ी की, राजेश की। देखते हैं क्या कर पाते हैं। पहले ही रेड में टेकर कर लिए गए थे ब्लॉकर के द्वारा। इस बार देखते हैं शायद अब उनकी ब्लॉकर पे ही निगाह बनी हुई। बोसवाल की तरफ से बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे कोर्ट का प्रयोग करते हुए, लंबी रीच का इस्तेमाल करते हुए, बहुत ही अच्छे एफर्ट के साथ दो नंबर बहुत ही शानदार जैसे ही सामने आया अपने आप को पूरा फैला दिया और दो शानदार नंबर। थर्ड रेड डू और डाई। कुलेरी की तरफ से राजेश गोदारा चार नंबर की किट में, हर हाल में पॉइंट लेना होगा उन्हें अपनी टीम के लिए। बहुत ही अच्छा ब्लॉक किया, थोड़े से दर्द में जरूर है बोसवाल के खिलाड़ी। फिजिशियन है अगर कोई डॉक्टर वगैरह तो, अगर उनको जरूरत है तो। वर्सेस थोपाणा जूनियर, सिर्फ दो मिनट का टाइम दिया गया उनको, जल्दी ग्राउंड के पास पहुंच जाएं। थोपाणा वर्सेस थोपाणा जूनियर। स्कोर बोसवाल 5, कुलेरी 8 पॉइंट। पीछे चलती हुई कुलेरी। सुपर टैकल ऑन है, शायद सुपर टैकल देखने को मिलेगा। बहुत ही फुर्तीले खिलाड़ी, लास्ट तक हार नहीं मानी और लास्ट में सुपर टैकल होता हुआ दो पॉइंट का इजाफा हुआ कुलेरी के खाते में। टाइम आउट मांगते हुए, पहले उनके हाथ में कुछ प्रॉब्लम थी, पहले की चोट लगी हुई थी। इन्हीं सुपर टैकल की मदद से कुलेरी को दो रनों का इजाफा हुआ। दो अंक और मिलते हुए 3 पॉइंट हो चुके हैं कुलेरी के, और बोसवाल के हैं
5 पहला सुपर टेकल हमें देखने को मिला है। उम्मीद करते हैं हमें पहली सुपर हेड कब तक देखने को मिलती है। कुलेरी की तरफ से एक छोटी सी उम्र के खिलाड़ी बीच काफी अच्छी दिखाते हुए काफी अच्छी डोज के साथ खेलते हुए बहुत ही शानदार टच करते हुए 99 को आउट करते हुए इसी के साथ कुलेरी पहुंची 4 अंक पे। बोसवाल की तरफ से रेड करते हुए बहुत ही शानदार कैचिंग करते हुए जासल का कोई भी एक टीम का प्लेयर कमेटी का सदस्य कमेटी के पास आ जाए कोई भी जासल का एक प्लेयर एक्स्ट्रा प्लेयर हो चाहे कैप्टन हो जासल की टीम का एक प्लेयर पहुंचे हुए कमेंट्री बॉक्स में। एफटी रेड के साथ अभी पहली बार रेड कर रहे हैं इस मैच में आते हैं अपने ताल ठोकते हुए छोटी सी हाइट के खिलाड़ी लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर पाए अपनी टीम के लिए सिर्फ 3 खिलाड़ी बचे हैं कोर्ट में। सुपर टेकल ऑन है एक बार बोसवाल काफी लीड ले ली थी उन्होंने 4 पॉइंटों की लेकिन धीरे धीरे करते हुए वो लीड गवाते हुए उसके बाद 5 पॉइंट ले चुकी है कुलेरी 6 पे पहुंच गई है। बोसवाल के वही 5 पॉइंट रुके हुए हैं देखते हैं अपनी टीम के लिए ये पेनल्टी वापस बचा सकते हैं या नहीं। जिस तरीके से कुलेरी ने सुपर टेकल ऑन करके जिस तरीके से अपने टीम को बचाया तो उस प्लेंटी से और लीड दिलाई बहुत ही अच्छा टैकल करते हुए दो और डाई रेड 2 पॉइंट बचे हैं। लास्ट खिलाड़ी बचे हैं बोसवाल की उम्मीदें इन्हीं पर कायम पहली पलंटी देखते हैं कब तक होएगी। इसी के साथ टैकल शायद कर लिया गया है बहुत ही अच्छा इफेक्ट होता हुआ एक बार लगा था कि गलती हो जाएगी लेकिन नहीं उसे संपूर्ण बनाया और 3 पॉइंटों की और लीड बढ़ती हुई खुइया और फेपाना जूनियर टीमें दोनों ग्राउंड में पहुंच जाएं। लास्ट 1 मिनट है ग्राउंड में पहुंच जाएं भी 1 मिनट में वरना मैच कैंसिल हो जाएगा आपका। लास्ट 1 मिनट टाइम शुरू हो गया आपका टिक टॉक। तीन नंबर खिलाड़ी ईशु ठाकुर टोल टैक्स की ट्राई करते हुए बहुत ही अच्छे एफर्ट के साथ देखते हैं रेफरी का क्या डिसीजन आता है। 2 पॉइंट हमें सुपर एट की उम्मीद थी लेकिन 2 पॉइंट अवश्य मिलेंगे। हाफ टाइम के सिर्फ 27 सेकंड अवश्य भी कम मेरे बताने में 2 सेकंड 3 सेकंड और निकाल दिए होंगे लगभग 21-22 सेकंड बचते हुए 4 नंबर की किट में खिलाड़ी देखते हैं क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। दोनों टीमें एक पर वो ऊपर एक पर वो नीचे काफी अच्छा सेट देखने को मिल रहा है एक अच्छे मैच की उम्मीद थी हमारी उम्मीदों पर कायम उतरते हुए खिलाड़ी। हाफ टाइम अप पूरा हो गया टाइम भाई ठुइया के खिलाड़ी पहुंच जाए भाई साथ में अपनी एंट्री भी ले आए एंट्री फीस भी ले आए ठुइया अपनी। हाफ टाइम का समय हो चुका है स्कोर हमारे स्कोर साथी बताएंगे। कुलेरी 11 और बोसवाल 7 4 नंबरों की लीड के साथ कुलेरी आगे चलती हुई इस मैच में। एक बार कुलेरी 4-5 पॉइंट पीछे हो गई थी मैच में लेकिन वापस अपनी टीम को एकजुट बनाया और एक अच्छी लीड के साथ रेड कुलेरी की आएगी। पहले कोट लिया था कुलेरी ने हाफ टाइम पूरा होता हुआ इसी के साथ 9 नंबर की किट में खिलाड़ी ने अपनी रेड शुरू की। काफी अंतर तक चले गए थे टच भी मार दिया शायद
एक पॉइंट रेफरी विनोद का इशारा आता हुआ, स्कोर 12 पॉइंट। बहुत ही अच्छा, डी भी टच नहीं करने दी उससे पहले ही, काफी अच्छी कैचिंग कुलेरी की टीम पूरी तरीके से बढ़ चढ़ गई है बोसवाल पर, बोसवाल को आगे जाने का मौका ही नहीं दे रही है। बोसवाल कुछ एक्स्ट्रा करना होगा उन्हें, अपना पूरा टाइम लेते हुए कुलेरी के खिलाड़ी, बोसवाल के सबसे सीनियर प्लेयर खुद आए हैं रेड के लिए। डबल नाइन 99 की किट के खिलाड़ी, काफी पांव का तालमेल काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, एक अच्छी डोज दिखाते हुए, लेकिन कुलेरी के खिलाड़ी अपना संयम नहीं खो रहे हैं, उन्हें पता है लीड उनके पास बनी हुई है, खिलाड़ी को एक्स्ट्रा गलती करने का मौका दे रहे हैं। क्या नंबर के किट में कुलेरी के खिलाड़ी, जो अभी तक काफी सूद बूद भरी रेड किए जिन्होंने, बाल बाल बचे, लगभग हो गया था टच, लेकिन अपनी स्फूर्ति से वापस आए एक बार फिर से बोसवाल की तरफ से 99 की किट में खिलाड़ी, निखिल ठाकुर लिखा हुआ उनकी किट में, क्या ये अनूप ठाकुर या अजय ठाकुर का काम कर पाए, वही अनूप ठाकुर का हमने नाम लिया और उनका मुजाहरा पेश करते हुए बहुत ही अच्छा हैंड टच किया 9 नंबर की किट के खिलाड़ी ने, रेड शुरू की, कुलेरी की टीम काफी अच्छी संतुलन में नजर आ रही है, बहुत ही अच्छा प्रयास, पूरी टीम एकजुटता के साथ आई, रेड ने रेफरी की विसल से पहले ही जल्दबाजी करते हुए रेफरी ने फिर भी मौका दिया। जिस जल्दबाजी जो दिखा रहे थे उसी जल्दबाजी में अपना पॉइंट देके जाते हुए भैया जूनियर अपनी एंट्री फीस लेके आ जाए भाई, टाइम हो गया आपका। क्या नंबर के खिलाड़ी, जो अभी तक सबसे सूद भरे हुए रेडर दिखाई दे रहे हैं, सूद बूद के साथ खेल रहे हैं, अपना पॉइंट एक अपने पॉइंट की वैल्यू समझ रहे हैं, पूरी अपनी टीम का जो जरूरत है उनकी उस जरूरत पे खरा उतरते हुए। और एम्प्टी रेड करते हुए ईशु ठाकुर, बोनस की ट्राई की, बहुत ही अच्छा बोनस भी लिया और एक पॉइंट भी, बोनस प्लस 1 पॉइंट, 2 पॉइंट का और इजाफा आता हुआ बोसवाल का स्कोर पहुंचा 11 और कुलेरी 14, 3 नंबरों की लीड बची है, कुलेरी धीरे धीरे अपनी लीड खोती जा रही है। बोसवाल के रेडर्स को, कैचर्स को, खासकर रेडर्स को एक सुपर रेड या 2 अच्छी रेड दिखा दे उतने में ये लीड हवा हो जाएगी। 3 मिनट का खेल और बचाया, कुलेरी 3 पॉइंट आगे चलती हुई, बोसवाल की तरफ से ईशु रेड लगाते हुए 3 नंबर की किट में, थोड़ा सा ध्यान भटका था ईशु का, राइट कॉर्नर ने बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। 3rd रेड डुअल डाई रेड, देखते हैं 3rd रेड में राजेश अपनी टीम के लिए पॉइंट लेने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। डू और डाई रेड, टोल टच का प्रयास किया, बोनस भी ऑन है इनके लिए, अच्छी हाइट है इनकी, पांव भी अच्छे चल रहे थे। इसी के साथ टाइम आउट लिया, 2 मिनट 19 सेकंड का टाइम शेष बचा हुआ, स्कोर पहुंचा है कुलेरी 12, 15 कुलेरी 15, बोसवाल 12, माफी चाहूंगा। भुइया
टाइम आउट के बाद अपने रेड शुरू की सुने, इसी को दो तीन अच्छी रेड दिखानी होगी। कदकाठी से लगते भी हैं वो कि एक अच्छे रेडर होंगे, लेकिन खिलाड़ी का कभी अच्छा दिन होता है कभी नहीं होता। टाइम के हिसाब से चलना पड़ता है हमें, टाइम ही सब कुछ करता है। डी को टच किया और इशू एक बार फिर से ट्राई करते हुए, ज्यादा बड़ी लीड नहीं है इनकी। रेफरी के निर्णय का रेडर आउट, थोड़े से एफर्ट से पर रह गए रेडर, एक बार रुकना पड़ गया था उन्हें, उसके बाद चाहे वो क्रॉस भी कर ले वरना ये सुपर रेड हो सकती थी। खिलाड़ी ने डी को टच किया थोड़ी फॉर्मेलिटी सी करते हुए, बोसवाल के रेडर से हमें उम्मीद कि वो अपनी टीम के लिए कुछ अच्छा करेंगे, उनकी टीम एक उम्मीद के साथ इनकी तरफ देखती हुई। 50 सेकंड रिमेनिंग, सिर्फ 50 सेकंड का खेल बचा है। पहले बोनस की ट्राई किया था, बोनस मिल भी गया है और रेड राउंड, दोनों टीमों को एक एक पॉइंट स्कोर पहुंचा। कुलेरी 17, बोसवाल 13। कुलेरी अभी भी 4 पॉइंट की लीड बनाए हुए। 29 सेकंड का खेल बचा हुआ है, शायद एक एक रेडी आएगी। पंद्रह सेकंड बचे हैं लास्ट, शायद ही हाफ टाइम की लास्ट रेड होगी। भुइया के सर्वे नगर आए हुए हैं तो पहुंच जाए एक रेड और जी भी टाइम पड़े। लास्ट रेड और ये एक और अच्छा टैकल करते हुए बोसवाल के खिलाड़ी। मैच अब होता हुआ, हमारे साथी स्कोरर हमें बताएंगे कौन सी टीम विजय रही। कुलेरी 4 पॉइंटों से ये मैच जीते हुए कुलेरी ने, एक अच्छा संघर्षपूर्ण मैच देखने को मिला। 18 पॉइंट कुलेरी के और 14 पॉइंट बोसवाल।